सुविधा ग्रैंड पैलेस इंडोर डोरमेट्री हॉल बैंक्वेट हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल विशाल पार्किंग एरिया प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट पता है साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर। एमपी में 24 घंटे में 12,248 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। भोपाल में 5 सीनियर आईपीएस अफसर हुए संक्रमित। 17 दिन में 1,00,000 मरीज बढ़े। इंदौर में खुले मैदान को 5 दिन में बनाया अस्थायी कोविड सेंटर। पहले चरण में 500 बिस्तर लगाए, कुल 2,000 बेड लगेंगे। इस परिसर में ऐसे कोरोना संक्रमितों को रखा जाएगा जो होम आइसोलेशन में है और इनके पास घर में जगह या सुविधा नहीं है। इंदौर के प्रेमनगर निवासी कारोबारी के यहाँ से 10,00,000 रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी 3,00,000 रुपए ले गए चोर। कारोबारी ने नौकरानी बसंती पर की शंका जाहिर। हालांकि पूछताछ में उसने किया इनकार। कारोबारी भगवान दास की रिपोर्ट पर पुलिस ने चोरी का केस किया दर्ज। इंदौर के रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए एक युवक गिरफ्तार। पीड़ित परिवार से एक इंजेक्शन के लिए वसूले थे 22,000 रुपए। सूचना पर राजेंद्र नगर पुलिस ने आरोपी को कर लिया गिरफ्तार। कोरोना से उज्जैन के महाकाल मंदिर के पुजारी महेश गुरु की हुई मौत। वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी भी हुए कोरोना संक्रमित। दमोह उपचुनाव के प्रचार में हुए थे शामिल। शहडोल मेडिकल अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर का ट्रक ना पहुंचने से ऑक्सीजन की हुई कमी। इसकी वजह से शनिवार रात 12 बजे के बाद 12 संक्रमित गंभीर मरीजों ने तड़प तड़प कर तोड़ दिया दम। शासन प्रशासन जुटा अपनी नाकामी को छुपाने में। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का दावा, ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई कोई जान। जबलपुर पुलिस ने 17 दिन में 32,000 से अधिक लोगों का बनाया चालान। खुद को जोखिम में डालकर लॉकडाउन का पालन कराने में 62 पुलिस के जवान हो गए संक्रमित। पुलिस ने 503 लोगों के खिलाफ धारा 188 के तहत FIR की दर्ज। एमपी के अशोकनगर में कोरोना को हराने 9 केंद्रों पर होगा टीकाकरण और बढ़ाए जाएंगे सैंपलिंग। 45 पार को टीका लगवाने डोर टू डोर बुलाने पहुंचेगा अमला। एमपी के भिंड में शादी में पहुंचे 500 लोग। पुलिस ने टेंट कैटरिंग और डीजे किया जब्त। नाच गाना छोड़कर भागे बराती। सागर जिले के खुरई के रेंगवा गांव के पास एक कार चालक ने चरवाहे को मारी टक्कर। चरवाहे को गंभीर हालत में सागर जिला चिकित्सालय किया रेफर। खुरई के पिठौरिया गांव के पास शुक्रवार को संदिग्ध हालत में हुई 40 वर्षीय व्यक्ति की मौत के बाद सिविल अस्पताल में डॉक्टरों के पैनल के द्वारा कराया गया शव का पोस्टमार्टम। खुरई के ढिकुआ गांव में कोरोना से बचाव को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों से की गई अपील। खुरई के भरचा गांव पंचायत में सरपंच सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम के प्रयासों से गांव में हुआ 100% वैक्सीनेशन। खुरई के दानखेड़ी के पास पुलिया में बाइक गिरने से बाइक सवार हुआ घायल। सिविल अस्पताल में कराया गया भर्ती। खुरई के खिमलासा में बाइक फिसलने से घायल हुए 55 वर्षीय व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मौत। खुरई में 24 घंटे में 14 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। सागर जिले के बीना में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीना में 2 कोविड केयर सेंटर बनाए गए जिनमें करीब 50 बेड की रहेगी व्यवस्था। बीना क्षेत्र में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसको लेकर स्थानीय विधायक ने ऑक्सीजन खरीदने के लिए विधायक निधि से 15,00,000 रुपए दिए सिविल अस्पताल को। बीना में लॉकडाउन को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। बेवजह घूमने वाले 25 लोगों पर पुलिस प्रशासन ने की कार्रवाई। दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन में यात्रा के दौरान 50 वर्षीय यात्री की हुई मौत। बीना रेलवे स्टेशन पर उतारा गया शव। बीना शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के 14 मामले आए सामने। सभी लोगों को किया गया होम क्वारंटाइन। होटल द ग्रैंड पैलेस लग्जरी डीलक्स रूम फील द कंफर्ट इंडोर डोरमेट्री हॉल बैंक्वेट हॉल कॉन्फ्रेंस हॉल विशाल पार्किंग एरिया स्वादिष्ट खाने का आनंद लीजिए प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ CCTV से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है होटल द ग्रैंड पैलेस साई वाटिका के पास भोपाल रोड सागर मध्य प्रदेश।